हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक वाईफाई मॉड्यूल लेकर आया हूं जिसका यूज़ हम अपने होम थिएटर को वायरलेस सिस्टम बदलने के लिए करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में होम थिएटर को वायरलेस सिस्टम बदलने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया था, और आज इस वीडियो में मैं अपने होम थिएटर में इस वाईफाई मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। का ये वीडियो स्पॉन्सर किया है Airlink.com ने। यहाँ से आप अपने ऑडियो प्रोजेक्ट के लिए एम्पलीफायर बोर्ड, ऑडियो रिसीवर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। ये है अप टू स्ट्रीम सोर्स किट, जो कि एक वाईफाई मॉड्यूल है। ये मुझे Airlink.com द्वारा रिव्यू के लिए भेजी गई है। चलिए देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले ये रहा इसका यूज़र मैनुअल। इस किट के बारे में सारी जानकारी इस यूज़र मैनुअल में दी गई है। और इसके बाद ये रहा हमारा वाईफाई ऑडियो रिसीवर। इसमें जो पावर रिक्वायर्ड रहेगा वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का रहेगा। इसमें इसका एंटीना दिया गया है, और ये रिसीवर जो है इसमें WPS का बटन भी है, और एक इंडिकेशन के लिए LED भी दी गई है। और ये रहा इसका बैक साइड। इसके बॉक्स में कुछ केबल्स भी दिए गए हैं, एक केबल इसमें पावर के लिए है और एक इसमें ऑडियो के लिए दिया गया है। तो चलिए अब हम इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने होम थिएटर में इंस्टॉल करते हैं। इस वाईफाई मॉड्यूल को पावर देने के लिए मैं 5 वोल्ट की एक पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट और 1 एम्पियर की है। आप इस पावर सप्लाई के स्थान पर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए अपने होम थिएटर के बैक साइड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इस होम थिएटर में पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेता हूँ। ये हमारे पास 5 वोल्ट आउटपुट के लिए केबल है, इसे मैं इस पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने पावर केबल को इस पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पावर सप्लाई में AC 220 वोल्ट इनपुट के कनेक्शन जो है उसे हम इस पावर सप्लाई में कर लेते हैं। पास 2 AC के वायर हैं जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर गए हुए हैं, हम इसे यहां से कट करके इस पावर सप्लाई में जोड़ लेते हैं। ये मैंने अपनी पावर सप्लाई में AC इनपुट के वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और मैं इसे ग्लू गन का यूज़ करके इसके ब्रेक पैनल पे फिक्स कर देता हूँ। अब इसके बाद हम इस वाईफाई मॉड्यूल के कनेक्शन कर लेते हैं। ये इसका ऑडियो केबल है जो कि इस सॉकेट में यहाँ पर लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट, ग्राउंड, राइट और WPS का वायर है। इसमें से हम जो WPS वाला वायर है उसे हम कट कर देंगे। अगर आप इस WPS के कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक स्विच का यूज़ करना होगा। मैं अपने होम थिएटर में इसके कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस वायर को कट करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास इसके ऑडियो के केवल 3 ही वायर बचे हुए हैं, क्योंकि एक लेफ्ट, ग्राउंड और एक राइट वाला वायर है। इसके कनेक्शन हम अपने होम थिएटर में करेंगे। हमारे होम थिएटर के बैक पैनल में यहाँ पर ये 3 वायर दिए गए हैं जो कि ऑडियो इनपुट के हैं। हम इन 3 केबल को इस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं आपको अब इस कनेक्टर में यहाँ पर अपने जो ऑडियो के केबल है उसे यहाँ पर सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने ऑडियो केबल के कनेक्शन और पावर केबल के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इस केबल को अपने वाईफाई मॉड्यूल में कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने बैक पैनल में फिक्स कर लेते हैं। ये मैंने वाईफाई मॉड्यूल को अपने बैक पैनल में ग्लू गन का यूज़ करके चिपका दिया है। अब इसके बाद मैं इसका जो एंटीना है उसे इसके बैक पैनल पे फिक्स कर लेता हूँ। ये हमारे वाईफाई मॉड्यूल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे मैं पावर ऑन करके देख लेता हूँ कि अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। पावर ऑन करने के बाद इसका जो LED है वो ब्लिंक करने लगा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब इसके बाद हम इसके बैक पैनल को वापस इसके स्थान पर लगा देते हैं। अब इसके बाद मैं अपने होम थिएटर का पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करने के बाद हमें इसके जो वाईफाई को है सेटअप करना होगा। इसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करके आपको बताता हूँ कि इसमें हमें इसे कैसे सेटअप करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में फोरेस्ट्री नाम का ये जो ऐप है इसे इंस्टॉल करना होगा। इसे मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो ऐप है हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। अब इसे हमें ओपन नहीं करना है, हमें बैक साइड में जा करके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई को ऑन करना होगा। वाईफाई ऑन करने के बाद हमें जो होम थिएटर है उसके वाईफाई से इसे कनेक्ट करना होगा। ये देखिए, हमारे पास इसका वाईफाई शो कर रहा है, इसे मैं इसे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमारा होम थिएटर जो है इसके वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हमें फोरेस्ट्रीम नाम का जो ऐप था उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इसमें जो जो परमिशन बोली जा रही है उसे एसएस देना होगा। इसके बाद हमें ऐड डिवाइस पे क्लिक करना होगा। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हमारे जो रूम में है जो भी वाईफाई अपने पास होगा वो शो करने लगा है। डी लिंक का मेरे पास राउटर है, उसे मैं सेटअप कर देता हूँ। इसमें मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ जिसके साथ में इस होम थिएटर का वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। आपके घर में एक से अधिक मोबाइल फ़ोन है तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। आपको सभी मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने किसी भी मोबाइल से इस होम थिएटर में सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजीली। इसमें किसी प्रकार का भी लैग नहीं होगा। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई मॉड्यूल है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। इस ऐप में सॉन्ग प्ले करने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि इसमें स्पोटिफाई का ऐप दिया गया है। इसमें हमें इसे ओपन करने के बाद इसमें अपना जो अकाउंट है स्पोटिफाई का उसे ऐड करना होगा। उसके बाद हम इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। फिलहाल मैं फ़ोन में जो सॉन्ग्स पहले से ही हैं उसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर की तुलना में इस वाईफाई ऑडियो रिसीवर का जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है और क्लियर और लाउड भी है, और इसमें किसी टाइप का ऑडियो का लैग भी नहीं होता है। अगर आपको इस मॉड्यूल को परचेस करना होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।